हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट जो लाया है वो जेईई मेन 2019 का, जिन्होंने जनवरी में एग्ज़ाम दिया था उनके लिए है। और ये लेटेस्ट अपडेट है कि NTA ने जो फाइनल आंसर की है उस एग्ज़ाम की, जनवरी वाले जेईई मेन 2019 की, उसकी आंसर की रिलीज़ कर दी है अपनी ऑफिशियल साइट जो jeemain.nic.in है। तो वही वहाँ पर जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। और आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने रॉ स्कोर यानी कि रॉ मार्क्स आप अपने चेक कर सकते हैं उस आंसर की से। परसेंटाइल वाला रिज़ल्ट पहले ही डिक्लेयर हो चुका था, बट रॉ स्कोर वाइज आप अभी चेक कर सकते हैं इस आंसर की के थ्रू। तो चलिएगा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आती है तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो वाइज सबसे पहले तो ये एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल में मैं समराइज़ करके बता दूं क्या लिखा है। सबसे पहले तो बताया कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और स्टेप्स क्या हैं डाउनलोड करने के, मींस आंसर की रिलीज़ हो चुकी है और उसके स्टेप्स क्या हैं डाउनलोड करने के। तो सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है jeemain.nic.in। देन उसके बाद अंडर द नोटिफिकेशन क्लिक ऑन jeemain 2019 फाइनल आंसर की ऑफ फॉर पेपर वन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो देन आपकी जो आंसर की है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद अब आते हैं मेन टॉपिक पर वीडियो के कि आप रॉ स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं अपने। तो रॉ स्कोर चेक करने का सिंपल सा फंडा है, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए गए और हर गलत आंसर अटेम्प्ट करने के लिए आपको -1 यानी कि नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हुआ है। और अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप था तो उसके 4 मार्क्स आपको यानी कि फुल मार्क्स आपको दिए गए थे। और इस प्रकार से मार्क्स आपको दिए गए हैं और आप कैसे चेक करें उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने टोटल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें फिजिक्स में, आउट ऑफ द 15 10 वर राइट एंड 5 वर रॉन्ग, अगर उसमें 10 सही हैं और 5 गलत है तो रॉ स्कोर आपका कैसे कैलकुलेट होगा, 10 × 4 यानी कि हर 10 क्वेश्चन आपके सही थे तो 4 मार्क्स उसके लिए आपको मिलेंगे, 40 मार्क्स। और देन उसके बाद 5 मार्क्स आपके 5 आंसर्स आपके गलत हैं तो यानी कि 5 मार्क्स आपके उसमें डिडक्ट हो जाएंगे, तो दैट मींस योर रॉ स्कोर इज 35। और अगर उसी सेट में कोई क्वेश्चन ड्रॉप्ड होता है और उसमें आपने अटैम्प्ट नहीं कराया तो टोटल रॉ स्कोर आपका 39 हो जाएगा क्योंकि वो 4 मार्क्स उस क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना रॉ स्कोर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और फाइनल आंसर की आ गई है, अगर अभी तक आपने देखी नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनल आंसर की। और कल मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे डिसाइड करें कि अप्रैल का एग्ज़ाम दे या ना दे जेईई मेन्स का, तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और लास्ट एंड स्क्रीन में भी मैं उसे लगा दूंगा, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन पर आपको अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।